स्वागतम। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? बाहर जो कोरोना का एटमॉस्फेयर अभी चल रहा है, उसमें ज्यादा से ज्यादा जरूरत है हमको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की। और उसके लिए हम क्या क्या नहीं करते हैं, योगासन, प्राणायाम, काढ़ा पी लेते हैं, कड़वी दवाई खा लेते हैं, कोई चाटर होगा वो ले लेंगे हनी के साथ या किसी और चीज के साथ, या च्यवनप्राश खा लेंगे। लेकिन जरा सोचिए आप कि छोटे बच्चों के साथ ये करना कितना मुश्किल है। मेरी डॉटर 2.25 साल की है और उसको तो दवा के नाम से ही एलर्जी है। मतलब कभी भी अगर उसको दवा लेने की जरूरत पड़ी तो वो धमाल मचा देती है। तो वो किस तरीके से कड़वा काढ़ा लेगी, और इवन अगर उसको कोई चाटन दिया जो मैंने हनी के साथ दिया हो, फिर भी वो नहीं खाती। तो ऐसे में मैं बहुत ढूंढ रही थी कि मुझे ऐसी कोई चीज मिल जाए जिससे शिवन्या की इम्यूनिटी भी बढ़े और वो लेने से आनाकानी भी ना करे। तो मुझे फाइनली एक ऐसी चीज मिल गई जो शिवन्या आराम से ले लेती है, जो इम्यूनिटी बूस्टर के तरीके बहुत अच्छा काम करती है, और मुझे उसके पीछे भी नहीं भागना पड़ता और बहुत आसानी से वो ले लेती है। तो मुझे लगा मैं आपसे क्यों नहीं ये चीज शेयर करूं, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली है, तो अगर मैं कुछ अच्छी चीज लेती हूँ तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगी। तो वो चीज है बेबी ऑर्गेनो का बाल अमृत सुवर्ण प्राशन। ये जो सुवर्ण प्राशन है, कई बार लोग पुष्य नक्षत्र के दिन देते हैं, मतलब साल में एक ही बार, और अगर आप चाहें तो इसे रोज भी दे सकते हैं। और देना इतना आसान है कि आपको सिर्फ कुछ बूंदे देनी है। अब अगर बच्चा 0 से 5 साल का है तो सिर्फ 1 बूंद, 5 से 10 साल का है तो 2 बूंद, और 10 से 15 साल का है तो सिर्फ 3 बूंदे आपको देनी है। मतलब कितना ईजी है। मेरे लिए तो मैं सिर्फ हाथ में एक छोटी सी बूंद लेके शिवन्या को दे देती हूँ तो वो आराम से खा लेती है, और चॉकलेट है ऐसा करके मैं उसको दे देती हूँ। तो देखिए, ये रहा बेबी ऑर्गेनो का बाल अमृत सुवर्ण प्राशन। मैं आपको इमेज दिखाऊंगी अच्छे से। ये इतना अच्छा काम करता है, मतलब ये सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने में ही मदद नहीं करता, बच्चे की डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छी करता है, भूख बढ़ाता है, और बच्चे की ओवरऑल फिजिकल और मेंटल हेल्थ को भी बढ़ाता है। साथ ही में अगर किसी को डिलेड फिजिकल या मेंटल ग्रोथ है तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर बच्चे को कोई बीमारी है तो उससे जल्दी रिकवर होने में मदद करता है। मतलब इसके ऑल इन वन इतने सारे फायदे हैं, और जैसे कि मैंने बोला, आपको सिर्फ बूंद देनी है अपने बच्चे की उम्र के हिसाब से। तो ये सही में मेरे लिए तो बहुत ही असरकारक साबित हुआ है, और प्लस ये जो है ना वो आयुर्वेदिक तत्वों से बना हुआ है। तो ये देखिए, ऐसे 15 ml की इसकी बॉटल आती है, लेकिन आपको सिर्फ बच्चे को कुछ बूंदे देनी है तो ये बहुत ही लंबे समय तक चल जाता है। और जैसे कि मैंने बोला कि ये आयुर्वेदिक है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स। ये देखिए, इसके इंग्रेडिएंट्स हैं ब्राह्मी, शंख पुष्पी, चित्रक, मंजिष्ठा, आंवला की मध, सुवर्ण भस्म जो कि बहुत अच्छी होती है हमारे शरीर के लिए। तो ऐसे बहुत सारे इसमें आयुर्वेदिक तत्व हैं और ये सही में बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो मेरे हिसाब से तो आपको ज़रूर से ट्राई करना चाहिए आपके बच्चे के लिए, क्योंकि इसको ट्राई करने में कोई नुकसान नहीं है। जैसे मैंने बोला, न्यू बॉर्न से लेकर 15 साल की बेबी तक आप इसको दे सकते हैं। और इसे आपको बच्चे को सुबह सुबह खाली पेट देना होता है, तो जैसे आपका बच्चा उठेगा आप तुरंत उसको ये बूंद दे दीजिए। आप अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर ही रख सकते हैं या बेड के साइड पे रख सकते हैं, ताकि सुबह सुबह उठ के पहले बच्चे को आप ये दे सकें। ये देने के बाद आधा घंटा आपको बच्चे को पानी या खाना कुछ नहीं देना है, इससे ये ज्यादा असर करेगा। और आधा घंटा तो बच्चे को ये देने के बाद बहुत जल्दी से चला जाता है। आप बच्चे को ब्रश करवाएंगे, बच्चा थोड़ा फ्रेश होगा, उतनी देर तक तो आधा घंटा हो भी जाएगा। तो बस मैं यही शेयर करना चाहती थी आपसे, शिवन्या के लिए इतनी अच्छी चीज मैंने दी तो मैं क्यों ना आपसे शेयर करूं। और आपको अगर ये चेकआउट करना है तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। फर्स्ट बॉर्न को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, उनको शेयर करिएगा जिनको इनकी जरूरत है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।